जाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया, मैं उस अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जिसके अलावा माबूद कोई नहीं, तुम अपने अल्लाह को इस तरह देखते हो जिस तरह आज हम ये चौदहवीं का जिस तरह नहीं क्लियर नजर आता, ऐसे तुम अपने रब का दीदार करोगे। और रब का दीदार करने के बाद किसी नेमत की ख्वाहिश बंदे को रहेगी नहीं, बंदे बार बार कहेंगे या अल्लाह आपसे मुलाकात करनी है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी उनमें से कर दे। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारा अमल, ये सारी नेमतें किन को मिलनी है? जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। यार तेरा कोई भी काम है, तेरा कारोबार है, तेरी कॉलेज है, तेरी यूनिवर्सिटी है, तेरा लेन देन है, तेरे मुआमलात हैं, तेरे दिमाग में, तेरी सोच में, तेरी फिक्र में हर वक्त अल्लाह का दीन, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी की सुन्नतें, दीन पर अमल करना, नमाज, हर वक्त तू अपने आप को छुपा कर, अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ता चला जा, हराम से बचता चला जा, हलाल करता चला जा, किसी के काम आ जा, नेकी कर, नेकी, नेकी का जज्बा लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के दरबार में जब हम चले जाएंगे, फिर अल्लाह राजी होकर हमें असल मुकाम अता कर देगा। वल्लाहिल अजीम, इससे बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है, कोई नेमत नहीं है कि जिसको अल्लाह ने दुनिया में दीन पर अमल सिखा दिया, जिसको दुनिया में अल्लाह ने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नमाजी बना दे, अल्लाह ताला हमें नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें आग के शदीद अजाब से बचा कर रखना। या अल्लाह हमें अपनी जन्नत अता फरमाना। या अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, बड़े नालायक हैं, या अल्लाह हम बड़े नालायक हैं, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम बड़े बर्दाश्त के थोड़े हैं, या अल्लाह हमें बर्दाश्त अता फरमा। या अल्लाह हमें हलाल पर इस्तिकामत अता फरमा, हमें हराम से कुल्ली इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर, सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।